के फजाई किरायों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। अंदरूनी मुल्क एकतरफा किराए में 2,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। तमाम एयरलाइंस ने मुश्तरक तौर पर कराची से लाहौर और इस्लामाबाद के फजाई सफर में एकतरफा किराए में 2,000 रुपये तक का इजाफा किया है। अंदरून मुल्क फजाई सफर महंगा कर दिया गया और इसी हवाले से आपको बताएं कि तमाम एयरलाइंस ने मुश्तरक तौर पर कराची से लाहौर और इस्लामाबाद के फजाई सफर में एकतरफा किराए में 2,000 रुपये का इजाफा किया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ, बताइएगा तमाम एयरलाइंस ने मिलकर ये फैसला किया है इजाफे का? चेयरमैन है आगा सिराज, उन्होंने 24 न्यूज को बताया है कि तमाम एयरलाइंस में मुश्तरका एक इजलास हुआ था जिसमें फैसला हुआ है कि सस्ती टिकट फरोख्त करने पर उनको मुसलसल नुकसान होता है, जिसकी वजह से सब ने मुश्तरका तौर पर किराए में इजाफा किया है। और जिससे सबसे पहले PIA ने एक तरफा किराया जो कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली परवाजें हैं एक तरफा किराए में 2,000 रुपये का इजाफा किया। और जो PIA की इस वक्त टिकट जो है 12,000 रुपये की मिल रही है यहाँ से एक तरफा, और जबकि दीगर एयरलाइन जो निजी एयरलाइन है उन्होंने भी 2,000 रुपये इजाफा कर दिया। जो 9,500 रुपये का जो टिकट थी कराची से लाहौर की वो अब 11,500 की हो गई, और जो कराची से इस्लामाबाद की एक तरफा टिकट थी वो 10,000 से बढ़ के 12,000 रुपये की हो गई। और यहाँ पे ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन का कहना है कि इस तरीके से मुश्तरका तौर पे फैसला करके आवाम पे एक बोझ डाला गया है जिससे जो सफरी सहूलत जो सस्ती मिल रही थी उनसे दूर हो गई है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।